हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी मेडिकल हमारे चल रहे हैं अभी, और इस बार के मेडिकल में एक जिसको कहते हैं कि विसंगति देखने को मिली, कुछ सेंटर्स पर उसी सेम पॉइंट में फिट किया गया है और कुछ सेंटर्स पर उसमें अनफिट भी किया गया है, जबकि जनरली उस पॉइंट में अनफिट नहीं किया जाता, फिट किया जाता है। और इसी वजह से कैंडिडेट्स जो हैं वो लेज़र को प्रेफर करते हैं। क्या पॉइंट है? देखिए, टैटू जो है उसके बारे में फोर्सेस का जो मेडिकल गाइडलाइन है उसमें कहा गया है, पेज नंबर 40 पैरा 11 सब पैरा 3, उसमें टैटू के बारे में कहा गया है कि द प्रैक्टिस ऑफ एंग्रेविंग टैटूइंग इन इंडिया इज प्रेवलेंट सिंस टाइम इमेमोरियल, प्राचीन काल से चली आ रही है। टैटू बनवाने की, गोदना गुदवाने की प्रथा जो है हमारे देश में बहुत समय से प्रचलित है, बट हैज बीन लिमिटेड टू डिपिक्ट द नेम और अ रिलीजियस फिगर इनवेरेबली ऑन इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म। अब टैटू बनवाने के लिए क्या होता है कि जो भी मास्टर हैंड होता है उसको आगे कर दिया जाता है, और सैल्यूटिंग हैंड यही है, मैक्सिमम मास्टर हैंड भी यही होता है, बहुत कम लोगों का मास्टर हैंड जो है वो लेफ्ट होता है, तो वो लेफ्ट पर बनवाया। अब लेफ्ट वाला जो है वो फिट घोषित किया, लेकिन उसमें भी जो फर्स्ट लेटर और किसी प्रकार का कोई रिलीजियस टैटू। अब किसी ने, अब ये तो रिलीजियस नहीं है, अब इसके साथ में ये और कर दिया, ये तीर भी इसमें घुसा दिया, ये भी रिलीजियस नहीं है, लेकिन किसी ने यदि ये रिलीजियस है, या किसी ने, सॉरी, कि ये रिलीजियस है, तो उसके बारे में, टैटू के बारे में ये कहीं नहीं लिखा उसमें कि टैटू रिमूव करवाने के बाद फिट है या अनफिट है। हेल्दी स्कार है, फिट है। अब सर्जरी के जब स्कार हैं बॉडी पे, कि किसी का हाइड्रोसिल का सर्जरी हुआ है, वेरिकोसिल का हुआ है, अपेंडिक्स का हुआ है, और वो हेल्दी स्कार है तो वो फिट हो रहा है, तो टैटू वाला जो है वो फिट क्यों नहीं हो रहा? स्कार तो रहेगा, लेजर का स्कार जो है वो बहुत धीरे धीरे जो है वो कम होता है। अब आपको ये देखिए, ये भोपाल का एक कैंडिडेट, इन्होंने खुद कहा कि मेरा वीडियो आप बनाइए, आप उसमें नाम हमने हाइड कर दिया, अनफिट किया था इनको, रीजन था टैटू स्कार प्रेजेंट ऑन राइट हैंड। अब इसमें रिव्यू, जो ब्रीफ ऑफ रिव्यू मेडिकल बोर्ड जो है वो क्या कहता है, अब इनको यहां पे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि वो कहते हैं कि इसमें क्या अनफिट है, नहीं अनफिट नहीं है, ये क्या है, ये बिल्कुल फिट घोषित किया इन्होंने, और मेडिकल गाइडलाइन पूरा फॉलो करते हुए कि सब्सटेंशियली हील टैटू स्कार एज पर रिकमेंडेड पेज नंबर 40 पैरा 11.3 ABC and D। तो ABC and D तो इसमें कहीं है ही नहीं, लेकिन डी जो है वो उसके लिए है कि सर्जरी रिपेयर्स ऑफ हार्निया वेरिकोसिल सर्जरी। अब ये तो डी कहाँ है इसमें, इसमें तो जो रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन है उसमें डी यदि बाद में जोड़ दिया हो तो पता नहीं, लेकिन इसमें तो ए बी सी ही है। ए कहता है कंटेंट, बी लोकेशन, और सी जो है वो साइज, साइज के बारे में कहा गया है, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी। लेकिन अब ये तो ए बी सी डी भी लिखते हैं, बोर्ड इज सेटिस्फाइड विथ कंटेंट एरिया विच इज लेस देन 1/4 ऑफ द पार्ट हेल्दी स्कार, हेंस द बोर्ड डिसाइडेड हिम, बोर्ड डिक्लेयर्ड हिम फिट। ये यहां पर जो लिखा है ये फिट। अब टैटू कैसा इनका हो गया आपको दिखा देते हैं कि टैटू अभी ये इनका इस तरह का, अब आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये कम से कम इस टैटू को रिमूव करवाया इनको 4 महीने इनको हो गया है, 4 महीने में ये हो गया। कुछ समय पहले इनका टैटू जब रिमूव करवाया था तो एक समय ऐसी स्थिति भी थी, लेकिन बाद में जब मेडिकल होता है उस समय तक, अब ये टैटू हेल्दी स्कार है, लेजर करवाएंगे तो पूरा हेल्दी रहेगा। तो हमारे देखिए जितने भी कैंडिडेट्स, अब इसमें कुछ कैंडिडेट्स को अनफिट घोषित किया,
कि इंक बचा हुआ है तो देखिए उसमें अनफिट आप कर रहे हैं, वो इंक बचा हुआ है तो वो टैटू आपका प्रेजेंट है नहीं, पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। तो जो नई भर्ती देखने वाले कैंडिडेट हैं देखिए उनको ही बता दें, या अब इस भर्ती में आप अनफिट हो गए हैं, आपका टैटू था, तो कोशिश ये कीजिए कि उसको आप पूरा कंप्लीट रिमूव करवाएं, उस पर कुछ लोशन वगैरह अपना डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए कि वो ऐसा लोशन वगैरह आपको दें कि ताकि वो आपको आगे आने वाले जो आपके मेडिकल हैं तब तक पूरी तरीके से साफ हो जाए। चाहे आप CPO कैंडिडेट हैं, चाहे CISF हेड कॉन्स्टेबल, या आने वाली भर्तियों का आप मेडिकल देख रहे हैं, तो उसको कंप्लीट रिमूव करवा लीजिए कि एक छोटे से टैटू की वजह से। अब देखिए यदि यही टैटू यदि इस पोजीशन में जिनके थे कि हेल्दी स्कार नहीं है, जो इस तरह का नजर आ रहा है, उसमें उनको अनफिट घोषित कर दिया। अब कुछ हमारे साथियों ने कहा कि मैं सर्जरी करवा लूं, सर्जरी में भी प्रॉब्लम होगी, सर्जरी में प्रॉब्लम ये होगी कि उसमें किलोइड बन गया, उस किलोइड को अलग से ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये टैटू का जो पॉइंट है, अब जिसमें इनको इस पॉइंट में जिनको अनफिट कर दिया वो क्या कर सकते हैं, कि जिसका पूरी तरीके से सफ हो। ऐसा भी है कि जो इंक थोड़ा थोड़ा, जैसे यहां पर थोड़ा सा इनका भी दिख रहा है, इसी वजह से इनको पॉइंट बनाया था कि थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे तो इतना इंक तो क्या है कि लगभग 8 महीना, 10 महीना, 12 महीने तक लग जाता है। 1 साल हो गया तो पूरा आपका इंक में मिल जाएगा, वो पता नहीं चलेगा उसका कि कभी यहाँ पर टैटू भी था। यदि वो लेजर मशीन एक क्वालिटी का है, अब आप रोड साइड जो टैटू बनाने वाले हैं यदि उसी से आप रिमूव करवा रहे हैं, तो उसमें तो 5 सिटिंग, 6 सिटिंग, 5 महीना का आपको समय दिया जाएगा, और 5 महीने बाद भी वो रिमूव भी नहीं होगा कि आपका पैसा भी लग गया और आप फिट भी नहीं। टैटू में इंक थोड़ा भी यदि बचा हुआ है तो आपका देखिए वहां पर टैटू बचा हुआ है, उनके मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार टैटू साफ करवाने के बाद क्या पोजीशन है उसके बारे में मेडिकल गाइडलाइन कुछ नहीं कहती। उसके बारे में एक क्लॉज ये है कि हेल्दी स्कार है, यानी पूरी तरीके से साफ हो गया तो आप फिट हो जाएंगे। तो पूरी तरीके से साफ होने में समय लगता है, तो समय रहते टैटू को रिमूव करवा लीजिए। और यदि कोई ऐसा भी कैंडिडेट है जिसका पूरी तरीके से इनकी तरह है और वो भी अनफिट घोषित हो गए, तो वो दावा कर सकते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाई कोर्ट कर सकते हैं कि मेरा टैटू जो है वो पूरी तरीके से मेरा क्लियर हो गया था, उसके बावजूद भी मुझे अनफिट कर दिया। यदि आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो बिल्कुल आप फाइट कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. Gynecologist, female staff. For female candidate. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।